नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन डॉग ब्रीड गद्दी कुत्ता के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे भूतिया डॉग, हिमालयन शीप डॉग या फिर हिमालयन मैस्टिफ भी कहा जाता है। आपको ये डॉग ज़्यादातर ठंडे वेदर में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हिमालय, नेपाल, कश्मीर में, बिकॉज ये डॉग का जो है लॉन्ग कोट होता है, तो ये डॉग ज़्यादातर ठंडे वेदर वाले जगहों में अडॉप्ट हो जाते हैं। या फिर अगर आपके यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है तब भी आप ये डॉग ब्रीड ला सकते हो। गद्दी कुत्ते की ये स्पेशलिटी है कि ये काफ़ी हद तक तिब्बतियन मैस्टिफ जैसे दिखते हैं। काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि गद्दी कुत्ता ही तिब्बतियन मैस्टिफ है, बट ऐसा नहीं है। तिब्बतियन मैस्टिफ एक अलग डॉग ब्रीड है एंड गद्दी कुत्ता एक अलग डॉग ब्रीड है, और गद्दी कुत्ता एक इंडियन डॉग ब्रीड है जिसे हिमालयन शीप डॉग या फिर हिमालयन मैस्टिफ भी बोला जाता है। गद्दी कुत्ते का लॉन्ग कोट होता है या फिर कई लोग उसे डबल कोट भी बोलते हैं। गद्दी कुत्ते का कलर ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ब्राउन, इस तरीके से गद्दी कुत्ते में कलर होते हैं। 2005 में हिमालयन शीप डॉग यानी कि गद्दी कुत्ता को एज अ इंडियन डॉग ब्रीड फीचर किया गया है। अगर आप एक गद्दी कुत्ता ख़रीदना चाहते हो हाई क्वालिटी का, तो आप जो है पंजाब से ख़रीद सकते हो, क्योंकि पंजाब में काफ़ी सारे लोग गद्दी कुत्ते की ब्रीडिंग करते हैं। और आगे इस वीडियो में मैं आपको गद्दी कुत्ते की प्राइस भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। गद्दी कुत्ता एक लार्ज साइज डॉग ब्रीड है जिसकी हाइट 51 से लेकर 71 सेंटीमीटर्स तक एंड इनका वेट 23 से लेकर 41 केजीज तक हो सकता है। ज़्यादातर गद्दी कुत्ता डबल कोट में ही होते हैं, और कई कई गद्दी कुत्ता जो क्रॉस ब्रीड करते हैं तो वो थिक कोट में हो सकते हैं। गद्दी कुत्ते में मैंने जैसे बताया ब्लैक, ब्लैक एंड टैन, ये सबसे ज़्यादा कलर आपको देखने को मिलेंगे। गद्दी कुत्ते का लाइफ स्पैन 10 से लेकर 11 साल तक होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। गद्दी कुत्ता एक इंडियन डॉग ब्रीड है, तो आपको इसे ज़्यादातर डॉग फूड देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये इंडियन डॉग ब्रीड है तो ये घर का बना खाना आसानी से खा लेगी। गद्दी कुत्ते का ये बेनिफिट है कि ये घर का बना खाना भी बड़े आसानी से खा लेगा। जो आप खाते हो वो आप अपने डॉग को खिला सकते हो, लाइक रोटी, चावल, और या फिर आप जो भी खा रहे हो वो अपने डॉग को खिला सकते हो, फ्रूट्स वगैरह, पर अलग से खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये घर का बना खाना ही खा लेते हैं। गद्दी कुत्ता काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड ये काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग्स हैं। जो लोग शीप्स या फिर बकरियाँ पालते हैं वो अपने साथ गद्दी कुत्ता रखते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो जो है जंगली जानवरों से उनकी रक्षा कर सके। इसलिए गद्दी कुत्ता एक काफ़ी अच्छी गार्ड डॉग है और काफ़ी अच्छे लॉयल होते हैं अपने फैमिली के लिए, और काफ़ी अच्छी एक फ्रेंडली डॉग ब्रीड है। मतलब एक इंडियन डॉग ब्रीड अगर आप लेना चाहते हो तो गद्दी कुत्ता मे बी राइट डॉग ब्रीड फॉर यू। अब हम गद्दी कुत्ते के प्राइस के बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम 10,000 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं। तो गद्दी कुत्ते के प्राइस डिपेंड करता है उसके क्वालिटी पर एंड आप उसे किस जगह से ले रहे हो। अगर आप इंडियन एवरेज गद्दी कुत्ते के प्राइस इंडिया में देखते हो तो 8,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक आपको एक इंडिया में अच्छी क्वालिटी का गद्दी कुत्ता मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया, ये प्राइस पूरा डिपेंड करता है क्वालिटी पर। अगर आप पंजाब में जाकर गद्दी कुत्ता खरीदोगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के आपको गद्दी कुत्ता मिल जाएंगे, और वहाँ पर प्राइस भी थोड़ी सी हाई हो सकती है। बट अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का गद्दी कुत्ता चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप पंजाब से ही गद्दी कुत्ता खरीदें। तो ये तो थी पूरी गद्दी कुत्ते की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये जानना है कि टॉप 10 इंडियन डॉग ब्रीड कौन सी हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।